वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

हम लोग बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हम हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें 6.7 पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूज़र्स की तो 66 परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन्थ एटी में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहां पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वेल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके अंदर हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें ड्रामा भी होता था उसमें भी होता था उसमें एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहां पर

तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइनटी एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वेल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके अंदर हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें ड्रामा भी होता था उसमें भी होता था उसमें एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहां पर

तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइनटीन एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

हम लोग बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आईएमडीबी रेटिंग के अंदर हमें 6.7 पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन की आईएमडीबी रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूज़र्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की, तो की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

लोग बात करने वाले, है, 1989 में रिलीज हो चुकी, में करने वाले हैं चुकी बहुत ही किस तरह की, गई, कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहां पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें ड्रामा भी होता था उसमें इंटरटेनमेंट भी होता था उसमें एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहां

तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है "Yeah," वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें ड्रामा भी होता था उसमें इंटरटेनमेंट भी होता था उसमें एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहां पर

तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइनटीन एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि तो हाँ, इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वेल तो जी नाइन्टीज़ का आरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके अंदर हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें ड्रामा भी होता था उसमें भी होता था उसमें एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जान दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस यह मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

लोग बात करने वाले हैं में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हम इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहां पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

लोग बात करने वाले हैं चुकी बहुत ही प्यारी चांदनी के बारे में रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन एटी में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आईएमडीबी रेटिंग के अंदर हमें 6.7 आउट ऑफ 10 की आईएमडीबी रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है yeah वेल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके अंदर हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें ड्रामा भी होता था उसमें भी होता था उसमें एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहां पर

तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइनटीन एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस यह मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वेल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके अंदर हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें ड्रामा भी होता था उसमें भी होता था उसमें एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहां पर हम लोग बात करने वाले 1989 में रिलीज हो चुकी बहुत ही किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस यह मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीन एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

हम लोग बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हम हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहां पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वेल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीन एक मूवी को स्टार्ट करें उसके अंदर हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें 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 ड्रामा भी भी होता होता था तो तो था एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहां पर

तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइनटीन एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वेल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके अंदर हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें ड्रामा भी होता था उसमें भी होता था उसमें एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले 1989 में रिलीज हो चुकी मूवी चांदनी के बारे में रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है ये पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस यह मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी 90s का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीन एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

हम लोग बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हम हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

हम लोग बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहां पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वेल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके अंदर हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें 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 ड्रामा भी भी होता होता था था एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहां पर

तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइनटी एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है yeah वेल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके अंदर हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें ड्रामा भी होता था उसमें भी होता था उसमें एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहां पर

तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइनटीन एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस यह मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी 90s का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीन एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

हम लोग बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आईएमडीबी रेटिंग के अंदर हमें 6.7 पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन की आईएमडीबी रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूज़र्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही Yeah. वल तो जी 90s का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

हम लोग बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन्थ एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहां पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वेल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके अंदर हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें ड्रामा भी होता था उसमें भी होता था उसमें एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहां पर

तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइनटीन एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का आरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके अंदर था। था। तो एक्शन भी, भी, भी होता था उसमें रोमांस भी होता था इमोशंस भी होते थे एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आईएमडीबी रेटिंग के अंदर हमें 6.7 आउट ऑफ 10 की आईएमडीबी रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूज़र्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

हम लोग बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके अंदर हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें ड्रामा भी होता था उसमें भी होता था उसमें एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहाँ

तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन एटी में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है yeah वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें ड्रामा भी होता था उसमें इंटरटेनमेंट भी होता था उसमें एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहां पर

तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइनटी एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का आरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

हम लोग बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

हम लोग बात करने वाले हैं नाइनटीन में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1989 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हम इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके

लोग बात करने वाले हैं चुकी बहुत ही प्यारी चांदनी के बारे में रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहां पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक रखने की पावर भी 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 होती थी। भी होती थी थी उसमें 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 कॉमेडी ड्रामा होता होता था था एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था, था।, था। फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहाँ पर लोग बात करने वाले बहुत ही प्यारी चांदनी के बारे में, हम में रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइनटी एटी में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को इन एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah. वेल तो जी नाइन्टीज़ का एरा एक ऐसा एरा था जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा था उसी के साथ हमें एक्शन भी देखने को मिलता है ड्रामा भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो उस एरा के अंदर जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके अंदर एक्शन कॉमेडी रोमांस ड्रामा ये सब कुछ मिक्स हमें उस मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता था उन मूवीज़ के अंदर यही स्पेशलिटी थी कि भाई वो हमें ये सारा कुछ एक ही कॉन्टेंट के अंदर प्रोवाइड करते थे मीनज एक मूवी को स्टार्ट करें उसके अंदर हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक रखने की पावर भी होती थी उसमें कॉमेडी भी होती थी उसमें ड्रामा भी होता था उसमें भी होता था उसमें एक्शन भी होता था उसमें रोमांस भी होता था फैमिली के इमोशंस भी होते थे ये सारा कुछ हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलता था अगर आप लोग भी नाइन्टीज के एरा की मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोगों को नाइन्टीज की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ प्रेजेंट करने वाली है यहां पर

तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइन 1999 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा भी क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन पर ही बात करते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर हैंडल किया है यश चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं क्योंकि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो हाँ इनकी मूवीज़ हमेशा से ही अच्छी रही हैं तो इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ दी हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जब तक है जाम दिल तो पागल है दीवार वीर जारा डर वक्त लम्हे सिलसिला कभी कभी दाग चांदनी त्रिशूल इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है एक्शन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखूबी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्या है इस मूवी की आई रेटिंग क्या है हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा एक्शन होगा या नहीं ड्रामा होगा या नहीं क्या कुछ होगा इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा बहुत अच्छे तरीके से जो कि प्रेजेंट किया गया है आई रेटिंग के अंदर हमें सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें गूगल के यूजर्स की तो सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को श्रीदेवी ऋषि कपूर विनोद खन्ना वहीदा रहमान और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखी भी गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है Yeah.